चुनाव में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 अहम सीटों पर भी मतदान हो चुका है, लेकिन सियासी घमासान लगातार जारी है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पहले चरण की वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब वोटों से नहीं बल्कि नोटों और ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीतना चाहती है। साथ ही मायावती ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव अधिकारियों से ही बटन दबवा कर वोट करा दिए हैं, और ये सब बयान उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि सत्ताधारी बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में आम जनता द्वारा बुरी तरह से नकारे जाने का ही परिणाम है कि अब बीजेपी वोट से नहीं बल्कि नोट से, ईवीएम की धांधली से, पुलिस प्रशासन तंत्र के दुरुपयोग से और ईवीएम में चुनाव कर्मचारियों से ही बटन दबवा कर धांधलियों से चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने आगे लिखा कि यदि देश के लोकतंत्र में आम जनता की आस्था को बचाए रखना है तो फिर चुनाव आयोग की ये संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन बातों को गंभीरता पूर्वक संज्ञान ले और तत्काल आवश्यक उपाय करे ताकि अगले सभी चरण के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। आपको बता दें कि यूपी में ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत करते हुए बीएसपी ने चुनाव आयोग को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएसपी के सिंबल हाथी के सामने बटन दबाने के बावजूद वोट बीजेपी को गया है, जिसकी वीडियो क्लिप भी मौजूद है। यानी कि मायावती ने बीजेपी पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इन बयानों से मायावती का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तब असल तस्वीर क्या निकल कर सामने आएगी। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।